हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 139 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के 12वें श्लोक पर। हमने पिछले ऑडियो में भगवान ने जो हमें स्मृति और विस्मृति की कृपा प्रदान की है उस पर चर्चा की। इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान की स्मरण शक्ति कितनी पावरफुल है। मतलब एक तरह से भगवान समटाइम्स अपनी स्मरण शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। अब जैसे अगर हम उदाहरण लें तो द्रौपदी चीरहरण में कभी एक बार भगवान कृष्ण का जो है वो खून बहने लगा था, किसी चीज़ से वो कट गया था उंगली और उससे वो खून बहने लगा था। तो द्रौपदी ने अपना जो है कपड़ा कुछ जो है शायद पल्लू से या किसी चीज़ से वो उनको फाड़ के वो उनकी उंगली में वो पट्टी बांधी थी, ऐसी कथा मैंने पढ़ी या सुनी। तो भगवान ने देखिए वो उस कपड़े के बदले में कितना जो है वो द्रौपदी का उद्धार किया। हम ये विषय बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और इस चीज़ को जब हम अच्छे से समझ लेंगे और हमें याद रहने लगेगी तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और वो क्या कि हम दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, दूसरों की सेवा करनी चाहिए लेकिन पूरी तरह से निष्काम भाव से, फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन आम तौर पर हम सकाम भाव से ही सेवा करते हैं, चाहे हमारे माता पिता, बच्चे, पत्नी, कोई भी हो। हम ये सोचते हैं कि आज हम कर रहे हैं कल हमारे लिए करेंगे। कहीं ना कहीं बदले की भावना, बदला एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो सकता है, मतलब कि एक समथिंग इन रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हमारे को रहती है। अगर हम निष्काम होकर सेवा कर रहे हैं तो ही ठीक है, क्योंकि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमें भूल जाएंगे, वो हमारे को बदले में नहीं देंगे। ये तो भगवान ही हैं जो भक्तों की सेवा को याद रखते हैं। और एक उदाहरण ले सकते हैं कि बचपन में सुदामा और भगवान जो है वो जंगल में गए थे और जब बारिश हो गई तो फिर सुदामा ने चने अकेले ही खा लिए थे और फिर भगवान को वो लीला याद थी। फिर जब सुदामा वापस आए तो उन्होंने वो पोटली चीन कर खाई। खैर, भगवान तो भगवद गीता में भी कह चुके हैं कि उनके असंख्य जन्म बीत गए हैं और उनको पिछले अगले सारे जन्म याद हैं। तो भगवान ने खुद इस स्टेटमेंट को दिया भी है और वो टाइम एंड अगेन इस चीज़ को एग्जिबिट भी करते हैं, है ना। अब हम बंदरों का एग्जाम्पल लें तो बंदरों ने त्रेता युग में भगवान श्री राम की युद्ध में मदद की थी, सेवा की थी, तो भगवान ने उस चीज़ को भी याद रखा। और फिर जब वो स्वयं प्रकट हुए भगवान कृष्ण, तो वो माखन जो है वो बंदरों को भी खिलाते थे। तो ये वर्णन है कि भगवान सेवा नहीं भूलते हैं, है ना। इसी तरह से सुग्रीव को अपनी ताकत प्रूव करने के लिए एक बार श्री राम ने 7 वृक्षों को एक ही तीर से काट दिया था। ताल वृक्ष थे वो, है ना, 7 ताल वृक्ष भगवान ने सुग्रीव को अपनी ताकत प्रूव करने के लिए कि भाई मैं बाली से लड़ सकता हूँ, एक तीर से 7 को काट दिया था। अब वो वहीं के वहीं पेंडिंग पड़े थे एक तरह से। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने उन 7 ताल वृक्षों का उद्धार किया आलिंगन करके, तो फिर वो भगवान के धाम वापस गए। तो सोचिए कि भगवान, मैं जो बार बार ही इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान कभी कुछ भूलते नहीं। दामोदर लीला में भी आप जानते हो कितने पुराने वो वृक्ष थे, है ना, नलकूबर और मणिग्रीव जो जल क्रीड़ा कर रहे थे और फिर नारद जी के शाप से पेड़ बन गए, तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। तो भगवान अर्जुन को यही कहते चाहते हैं कि कोई ज़्यादा दिन किसी को याद नहीं रखता इस धरती पे, है ना। जिनके लिए तुम रो रहे हो, कह रहे हो मेरे स्वजन हैं, है ना, वही तुम्हें याद नहीं रखने वाले। फिर उनके लिए अपना सुधर्म, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, उसको मत छोड़ो। तो हम सबको भी यही समझना है, हम सबका कर्तव्य क्या है। हम सबका कर्तव्य है भक्ति करना, सेवा करना। और हम जो है वो कुछ ऐसे लोगों को बैठ के बस याद करते रहते हैं जो, या सोचते हैं कि इसी में ही हमारा सब कुछ है, है ना। हम भगवान की सेवा से ऊपर जो है वो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन्हीं को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, मैं इस ऑडियो के थ्रू ये नहीं कहना चाहता कि हम अपने परिवार की सेवा ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ आप जितनी भी सेवा करें ये भूल जाएंगे एक दिन। तो आप निष्काम भाव से ही सेवा करें, चाहे आप अपनी पत्नी की कर रहे हैं, चाहे बच्चों की कर रहे हैं, चाहे माता पिता की कर रहे हैं, आप ये मान के चलें कि ये भूल जाएंगे एक दिन। तो इसलिए सही बैलेंस बनाना ज़रूरी है, है ना, सही बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आप भगवान की सेवा जरूर करें। और एक चीज़ है कि जो मैंने पहले भी बोली, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा कि भगवान की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान कभी भूलते नहीं, है ना।
अगर आपने 50 साल पहले भी भगवान की कोई सेवा की होगी, आप हो सकता है खुद भूल गए हो कि मैं कभी मंदिर में गया था, भगवान को फूल चढ़ाया था, या किसी भक्त की कोई सेवा की थी, या कोई कीर्तन किया था, जप किया था, दर्शन किया था, दान किया था, बट भगवान को सब याद रहता है। स्ट्रांग है भगवान इस मामले में, है ना। पुनर्जन्म भी भगवान ने एस्टैब्लिश किया है। अब आप देखिए श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की कथा है, आप सबने सुनी हुई है कि किस तरह से जो है वो हिरण में वो परिवर्तित हो गए और फिर जड़ भरत बन गए। तो भगवान ने टाइम एंड अगेन पुनर्जन्म को स्थापित किया है शास्त्रों में ही, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अगर जैसे किसी ने मेरे से ये भी प्रश्न किया कि ऐसा होता है कि एक बार मनुष्य योनि मिल जाती है तो फिर मनुष्य योनि ही मिलती रहती है। मैंने कहा नहीं, जवाब गलत है। आप जड़ भरत का एग्जाम्पल लो, भरत महाराज का एग्जाम्पल लो, वो हिरण बन गए, है ना। ऐसे एक और राजा की बात है जिन्होंने वो गाय का दान दिया था, फिर वो ऊपर नीचे हो गया था तो उनको छिपकली बनना पड़ा। तो अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो गजराज की भी कथा है ना। तो अनेक कथाएं हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि बड़े बड़े राजा जो अच्छे दानी थे, अच्छा मतलब उनका सा संसार, अगले जन्म में उनको पशु योनि में जो है वो जन्म लेना पड़ा या अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ा। तो इट इज़ नॉट द राइट लॉ। अब हम नारद जी के पूर्व जन्म की बात भी कर सकते हैं कि वो पहले एक गंधर्व थे, बहुत अच्छा गाते थे। ब्रह्मा जी की सभा में देवता और गंधर्व भगवान के संकीर्तन के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन उस जमाने में जो नारद जी थे, यानी जब वो गंधर्व के रूप में थे, नारद तो वो बाद में बने, तो उस जमाने में वो एक तरह से भगवान के कीर्तन में और फिल्मों के गाने में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। ऐसे बहुत भक्त हैं, वो कभी तो भगवान के जो हैं गीत गाने लगते हैं और कभी फिल्मों के भी गीत गाने लगते हैं। शायद वो अभी स्टेज ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं तो वो दोनों ही उनको अच्छे लगते हैं। तो शायद नारद जी की भी वही स्थिति थी, लेकिन समय और काल परिस्थिति के अनुसार बिहेव करना चाहिए था। तो वहाँ उन्होंने जो सभा थी जिसमें भगवान के नाम के कीर्तन के लिए इकट्ठा हुए थे, वहाँ उन्होंने शायद कोई फिल्मी गीत गाया या कुछ इस तरह का हुआ, कुछ विनोद किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया और शाप देने से फिर वो जो है एक तरह से दासी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। पिता की भी मृत्यु हो गई। खैर वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जब कुछ महात्मा चातुर्मास के लिए आए हुए थे तो उनकी सेवा की, उनका चिष्ट खाया, साधु संग किया। फिर बाद में क्या हुआ कि सांप काटने से माता की भी मृत्यु हो गई और फिर 5 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने भगवान का भजन किया और अपने हृदय में भगवान को प्रकट किया, यानी एक तरह से भगवान पर कृपा करके उनके हृदय में प्रकट हुए दर्शन दिया। लेकिन वो दोबारा दर्शन नहीं कर पाए, फिर तो वो छटपटाए, लेकिन फिर उन्होंने भक्ति की और अगले जन्म में वे भगवान के पार्षद के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है इस चीज़ को शास्त्रों के थ्रू एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। ये मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए, तो पुनर्जन्म जरूर होता है। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करें और आपको इससे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, आध्यात्मिक जन्म प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।